दो मिनट बात कर सकते हैं? डीएसपी सर थाने आए थे, बहुत गुस्से में थे। एक हफ्ते के लिए आपकी लाइन हाजिर की है। करिश्मा सिंह, आप हमारे जज्बात की चाहे कितनी ही मुखालफत क्यों ना करें, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि अंदर से आप हमसे भी ज्यादा जज्बाती हैं। गलत होते आप कभी देख नहीं सकती, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से पहले आप कभी सोचती नहीं है। ये सब जज्बाती होना नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ बस आपका जज्बात जाहिर करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। थोड़ा सा मैडम सर, ये थोड़ा सा था, गुस्से पे काबू ही नहीं हो पाता है हमसे मैडम सर। हम कितना कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा संतुलन आ जाए, वो नहीं आता है। ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, बस किसी पर भी हाथ उठा देते हैं। ये सब परेशानियां मैडम सर, ये हमारे वजह से तो हो रही है। नहीं हाथ उठाते तो नहीं परेशानी होती ना। सब 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 बवाल का जड़ हम ही है मैडम सर, ये हमारा ये गुस्सा। करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, हम यहाँ इस आश्रम में इस उम्मीद के साथ आए थे कि अपने अपने इस गुस्से पर हम थोड़ा काबू पाना सीख लेंगे, मानसिक संतुलन हम वो सीख लेंगे। आप कैसे मैडम सर, कैसे शांति से आप हर एक सिचुएशन को टैकल करती हैं। हम भी वैसा शांति, हम ऐसा शांति सीख लेंगे। हम भी उसी सिचुएशन को आपके तरीके से टैकल करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं सीख पाए हम। देखिए ना मैडम सर, वैसे की वैसे ही है। हमारा गुस्सा शांति नहीं हो रहा है, वैसे जंगली एकदम सरफरेज है एकदम। करिश्मा सिंह देखिए, देखा ना मैडम सर, आपने बिना कुछ सोचे समझे हमने उस वकील पर हाथ उठा दिया, पूरा केस खराब कर दिया हमने अमर का। और किया हमने, और इसकी कीमत चुकाएगा वो अमर हमारी वजह से। ये सब हमारी वजह से हुआ है मैडम सर। हम हमेशा गड़बड़ करते हैं और हमारा पूरा थाना भुगतता है, और यही होता आया आज तक। नहीं नहीं मैडम सर, ये हमसे होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, हमारा गुस्सा शांत हो ही नहीं सकता है। हम हार गए मैडम सर, हार गए, हम हार गए, नहीं होगा हमसे। माफ कर दीजिए हमें, लेकिन हमारा गुस्सा शांत नहीं हो पाता है। हम जितना मर्जी कर ले, हम मैडम सर वो अमर भी हार गया हमारी वजह से। सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। करिश्मा सिंह, ये हार नहीं है, ये चुनौती है। आप एक पुलिस वाली हैं करिश्मा सिंह। हमारी जिंदगी में हम रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ऐसे हालात पैदा करते हैं कि हम अपना आपा खो दें, हम अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाए। हाँ हम जानते हैं ये होता है, लेकिन उस वक्त बस वो एक सेकंड अगर ले लिया जाए, उस एक सेकंड के लिए एक लंबी गहरी सांस ले ली जाए जो अभी आपने किया, तो आप उसे रोक सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि आपका एक गलत रिएक्शन सिर्फ आपके काम को ही नहीं, आपकी निजी जिंदगी को भी बहुत खराब तरीके से अफेक्ट कर सकता है। इस वर्दी का, डिपार्टमेंट का, पूरी पुलिस फोर्स का नाम खराब कर सकता है। करिश्मा सिंह, गुस्सा हमारी ताकत होना चाहिए, कमजोरी नहीं। आई फिलहाल मुद्दा यह है कि रिया के लॉयर ने रिया को कोर्ट के सामने मेंटली अनस्टेबल साबित कर दिया है। उसका कहना है कि रिया ने जो कुछ भी किया है वो उसके कमजोर दिमाग का नतीजा है। इस तरह के केसेस में लॉयर्स अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ऐसे पैंतरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कोई भी उस वीडियो को देखेगा जिसमें यह हादसा हुआ है, वो मान जाएगा कि गलती रिया की ही है। देखिए करिश्मा सिंह, ये केस आपका है, जो करना है आप ही को करना है, और हमें पूरा यकीन है कि आप अमर को इंसाफ दिलवाकर रहेंगे। हम कैसे करेंगे मैडम सर? अभी आपने तो कहा डीएसपी सर ने हमें एक हफ्ते के लिए लाइन हाजिर कर दिया है हमारा। हम डीएसपी सर से बात करेंगे। आप दो चार दिन डायरेक्टली उन्हें रिपोर्ट कीजिए, तब तक हम कोई अच्छा सा मौका ढूंढते हैं उनसे बात करने का, ठीक है? तब तक के लिए हमने रिया के बॉयफ्रेंड और उसके नेबर्स को भी बुलाया है थाने बात करने के लिए। उनका कहना है कि उसने उन दोनों के साथ भी ऐसी बदसलूकी की है, बेवजह मारपीट की है। हो सकता है कि उनसे बात करके इस केस में हमें कोई बढ़ावा मिल जाए। करिश्मा सिंह रिलैक्स,
इतनी मुसीबतों से हम साथ मिलकर निपटे हैं, इससे भी निपट लेंगे। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिसकी इतनी सुलझी हुई बुद्धिमान मार्गदर्शिका हो, उसे भला किसी और गुरु की क्या जरूरत है बेटा। एक सच्चा मित्र 100 गुरुओं के बराबर होता है बेटा। वो तुम्हारे पास है, तुम दोनों सदा सुखी रहो। तो अविनाश, आप हैं रिया के बॉयफ्रेंड? जी, एक्स। ओके, एक्स बॉयफ्रेंड। आप बैंक में काम करते हैं, राइट? जी, लॉन डिपार्टमेंट में, लेकिन शौक से रेसलर हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका और रिया की कोर्टशिप कितने वक्त चली? 4 दिन 8 घंटे 36 मिनट और 24 सेकेंड। मतलब पहले दिन प्यार हुआ, शाम को झगड़ा, रात को सोने से पहले पैचअप हो गया, सुबह उठ के फिर झगड़ा हो गया, लंच टाइम में फिर सुलह हो गई, शाम को फिर झगड़ा हो गया, और सुबह तो बहुत झगड़ा हो गया, चौथे दिन और भी बड़ा झगड़ा हो गया, और शाम को सुलह हो गई। नहीं, इस बार सीधा कुटाई हो गई। रिया ने आपकी? जी, वैसे शौक से तो रेसलर हूं, लेकिन लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए रिया ने कूट दिया। मैडम सर, ये वो वीडियो है जिसमें रेसलर भैया का कुटाई हो रहा है। मुझे धोखा देगा तू? तेरी इतनी औकात, मुझे धोखा देगा? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अविनाश, एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड रिया को मानसिक बीमारी है? कतई नहीं, बहुत चौकस खोपड़ी लड़की है। तो फिर उसने आपको मारा क्यों? मेरे पास आई और बोलती कि तुमने मुझे धोखा दिया, और बस कूटना शुरू कर दिया। आपने धोखा दिया था? अरे, मैंने तो सूट दिया था मैडम गिफ्ट में, पहले धुलाई में सूट का कलर उतर गया, और मुझे बोलती कि तुमने धोखा दिया। बस सीधा कूटना शुरू, उतना तो सूट का धुलाई नहीं हुआ होगा मैडम जितना मेरा धुलाई हो गया। ओके, देखो अविनाश, हम तुमसे फिर से ये बात पूछ रहे हैं, इस बार सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें जवाब कोर्ट में दोहराना पड़े। क्या रिया मेंटली फिट है? हाँ। अरे, इसको ले जाओ, और बिरयानी आया होगा ले आओ। वाह। अंदर आ सकते हैं सर? हाँ, आइए आइए। जय हिंद सर, ऐसा है करिश्मा सिंह लाइन हाजिर सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। अरे भाई, आप कहाँ थी अब तक? हैं? खैर कोई बात नहीं, ये फाइलें देख रही हैं? एक रैक, दो रैक, तीन रैक, इनको क्रोनोलॉजिकली अपडेट कीजिए। जी सर। और जितना जल्दी हो सके, जल्द से जल्द इसे करना है आपको, ठीक है? तो आप काम कीजिए, हम थोड़ा राउंड मार के आते हैं, ठीक है? चलिए चलिए। जी। फाइल सब अरेंज हो गया है, हो गया सबका। बहुत बढ़िया काम किया है। अब दूसरा काम, हमारे यहाँ के हर एक स्टाफ मेंबर, हर एक यानी कि हर एक स्टाफ मेंबर, कांस्टेबल से लेके प्यून तक, प्यून से लेके क्लर्क तक, और जितने भी कैजुअल वर्कर हैं, सब लोगों के पास जाइए, और हमारे कैंटीन में जो हेडक्वार्टर के लिए खाना बनता है उसका क्वालिटी फीडबैक लीजिए। जी सर। हाँ, और ये काम 4 बजे तक हो जाना चाहिए।
आप रिया को कब से जानते हैं? हाँ जी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अरे कानून में बहुत मानते भी हैं और कानून की बहुत इज्जत भी करते हैं। नहीं नहीं, आप रिया को कब से जानते हैं? किसको? मैडम सर, आप रिया। चिल्ला क्यों रही है? बहरा थोड़ी हूँ, बस थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। पिया तो एक जमाने में मैं अपनी वाइफ का था, अब तो बिना तेल का दिया हूँ। रिया को कब से जानते हो सर? रिया जी कब से जानता हूँ? हाँ 10 साल से जानता हूँ जी। 10 साल पहले कानपुर से यहाँ लखनऊ पूरा परिवार शिफ्ट हो गया था। रिया के पिताजी ईश्वर सिंह जी बहुत सज्जन आदमी है, पर ये लड़की रिया आफत है आफत। कुछ वक्त पहले आपका और रिया का झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं, मेरा कोई लफड़ा नहीं था रिया के साथ। लफड़ा नहीं, झगड़ा, मारा मारी। अरे मैडम, मारा मारी तो तब कहलाता है ना जब दोनों तरह से हाथ उठाए जाए। यहाँ तो रिया ही मुझे अकेली मार रही थी और मैं तो बस हेल्प हेल्प चिल्लाता रह गया। आपका झगड़ा किस बात पर हुआ था? अच्छा झगड़ा? अरे मैडम बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की है, दिन भर लड़ने के बहाने ढूंढती है। अब हमारे घरों के बीच में एक दीवार है तो कहती है दीवार के उस तरफ भी वही कलर करो जो उसने इस तरफ किया हुआ है। अरे भला ये भी कोई बात हुई? अरे हमारा घर, हमारी दीवार, हमारी मर्जी वो कलर करे। तो बस भड़क गई और मुझे पीट डाला। मैडम जी इतनी जोर से कान पर थप्पड़ मारा कि डॉक्टर साहब ने कहा है 2 महीने लगे कान ठीक होने के लिए। और तो और जब झगड़े के दौरान खुद का बचाव करने के लिए मैंने थोड़ा सा पीछे धकेला तो बस उल्टा मुझ पर आरोप लगा दिया। वो कहती है कि उस पर मैंने हाथ उठाया था। अब आप ही बताइए ऐसा होता है क्या? मैडम मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था मैडम सर, कितनी गंदी हैंडराइटिंग है आपकी। सॉरी, रिया को मानसिक बीमारी है? है? एक मिनट। सुनाई देने वाली मशीन थी सर, तो आपने संतोष शर्मा तो आपने क्यों नहीं पहना सर पहले? वो क्या है ना मैडम जी, अभी नई मशीन ली है तो संभाल के इस्तेमाल करता हूँ। अब बताइए सर, रिया को कोई मानसिक बीमारी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, एकदम चौकस दिमाग है उसका। खूब पढ़ी लिखी लड़की है और बातें तो वकीलों जैसी करती है, पर मैडम जी बहुत तेज लड़की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। अच्छा कोई और भी काम हो ना तो मुझे आप याद कर लीजिएगा। बिल्कुल नहीं। ठीक। मैडम साहब, सर देखिए प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर हो सके तो आप करिश्मा सिंह की लाइन हाजिरी रद्द कर दीजिए और उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने दीजिए। एक केस अधूरा छूटा हुआ है सर, अमर और रिया का केस, वो मीडिया में हर जगह बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। इसलिए और हमें लगता है कि ये केस सिर्फ और सिर्फ करिश्मा सिंह ही सॉल्व कर सकती हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कोई गलती नहीं होगी। तो आप ये जिम्मेदारी लेती हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं होगा हसीना मलिक जी? हाँ हाँ, हम बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं कि आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। आप इस जिम्मेदारी को लेने का मतलब समझती हैं? इस जिम्मेदारी लेने का मतलब ये है कि आगे से अगर कोई भी स्कैंडल होगा तो उसमें आप भी बराबर की भागीदार होंगी और विभागीय कार्रवाई का आपको भी सामना साथ साथ करना पड़ेगा। हम समझते हैं सर। तो ठीक है, हम ऑर्डर वापस लेते हैं और करिश्मा सिंह पर विभागीय कार्रवाई, लाइन हाजिर के दंड से मुक्त करते हैं और पुनः
उनके पद पे नियुक्त करते हैं। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, आगे सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। जी सर, बिल्कुल होगी। जय हिंद। ये लाइन हाजिर का तलवार हमारे सर से हटाने के लिए, अगर कुछ दिन और ऐसे चलता तो डीएसपी सर के ऑफिस के फाइलों का धूल साफ करते करते ना हमारे आत्मविश्वास पर ना उम्मीद का धूल लग जाता। धन्यवाद एक बार। और तजुर्बा कहता है हमारा कि हीरा चाहे शीशे के महल में हो या फिर कोयले की खदान में, उससे उसकी चमक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह करिश्मा सिंह, एक इंसान की पहचान होती है उसकी काबिलियत, जगह नहीं। करिश्मा सिंह, आप जहां भी रहेंगी आप ही रहेंगी एक होनहार और काबिल अफसर। वैसे अब हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि रिया का जो लॉयर है अजय जिंदल, उसने जो ये दावा किया है कि रिया मेंटली अनस्टेबल है, साफ साफ झूठ है। अब हम ये साबित कर सकते हैं कि वो सिर्फ अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कानूनी पैंतरा इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर देर किस बात का मैडम सर? इस रिया को अरेस्ट करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, उसकी मनमानी का सजा उसको दिलाते हैं। देखिए, रिया को अगर सजा मिल भी गई तो भी क्या होगा, वो बाहर निकल कर फिर से वही करेगी, अमर की जगह किसी और को अपने गुस्से का शिकार बनाएगी। हमें उस जड़ को खत्म करना होगा, हमें उस बीमारी को खत्म करना होगा जो रिया को इतना ज्यादा वायलेंट बनाती है। तो ये कैसे होगा मैडम सर, आपके तजुर्बे से? नहीं, इस बार ये होगा आपके तजुर्बे से। आश्रम में जाकर आपने जो भी तरीका सीखा है अपने गुस्से को कंट्रोल करने का, वही तरीका आपको रिया को सिखाना है। बहुत बढ़िया मैडम सर, जिस तकनीक से हम पर कुछ असर नहीं हुआ वो हम रिया को क्या सिखाएंगे? पता चले रिया को सिखाते सिखाते हम अपना आपा खो बैठे और कहीं वो हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। आपने सुना होगा ना कि जहर जहर को काटता है, ठीक उसी तरह गुस्से के क्या क्या नुकसान है वो वही इंसान समझा सकता है जिसने खुद उस नुकसान को झेला हो। रिया को ये समझाने की जरूरत है कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो सिर्फ नुकसान पहुंचाती है, खास करके गुस्सा जो कि इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बात आपसे बेहतर और कौन समझा सकता है। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद मैडम सर हम पर भरोसा दिखाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम रिया को उसके गुस्से का नुकसान समझा सकते हैं तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे उसे समझाने के लिए। लेकिन मैडम सर, हमें ऐसा लगता है कि हमें पहले ना उसके इस हिंसक स्वभाव का मूल कारण जानना होगा। करिश्मा सिंह, हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि गुरुजी के आश्रम का जो तरीका है वो आप पर इतने अच्छे से असर कर रहा है। आप तो हमारी भाषा बोल रही हैं। आप ठीक कह रही हैं। वो इतनी ज्यादा गुस्सैल क्यों है इस बात का कारण पता चलेगा तभी हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। और इसके लिए हमें रिया के साथ कुछ वक्त बिताना बहुत जरूरी है मैडम सर। इसके लिए एक तरीका है। अरे, सोशल मीडिया पे हमारी फोटो क्यों नहीं दिख रही है? पुष्पा जी, ये वही फोन है ना जो आपने शर्त के पैसों से खरीदा है? अरे हाँ, ये वही है जो चीता संतोष के एक एक महीने की कमाई से लिए हुए हैं। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, हाँ बोलो बोलो। एक सेल्फी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जा। हाँ, हमारे साथ नहीं, संतु जी के साथ। संतु जी, सेल्फी प्लीज। आओ ना, आओ ना। आप लो ना। नहीं नहीं, आओ, देखो तुम नहीं आ रही। आओ अंदर, और थोड़ा अंदर। हाँ, हंसो हंसो, दांत तो दिखाओ। अरे रे बाबू, का है ये? सेल्फी पॉइंट खोलो ना अपने दुकान के सामने। चीती, आओ ना। नहीं पुष्पा जी, नहीं पुष्पा जी, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, एकदम फोटो नहीं लेंगे आपके साथ हम। सुनी कि नहीं अंदर का हुआ पुष्पा जी? क्या हुआ? अरे हसीना मैडम ना, इसे पर्सनल लेवल पर डीएसपी सर से बात करके करिश्मा मैडम का लाइन हाजिर कैंसिल करवा दी और वापिस उनको रिया वाले केस पर लगवा दिए। डीएसपी सर खाली दो टुक इतना ही बोले कि अगर गलती से भी करिश्मा मैडम इस बार कोनो गलती की ना तो उसका जिम्मेदार दोनों लोग होंगे, हसीना मैडम भी और करिश्मा मैडम, दोनों लोग पर विभागीय कार्रवाई हो सकता है। सोचिए, ऐसा बोले डीएसपी सर। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा। ऐसी बेलगाम गुस्सेल बिगड़े लड़की का इलाज करेंगे, उससे भी बेलगाम, उससे भी बिगड़े, उससे भी गुस्सेल हमारी बहू। मतलब आग और चिंगारी दोनों साथ साथ, तो धमाका तो होगा ही ना। ये रिया जो है ना, वो जानती नहीं है अपनी करिश्मा मैडम को। एक बार बस वो करिश्मा जी के सामने अपना गुस्सा दिखाएंगी ना, फिर उसकी आँख खुलेगी सीधा अस्पताल में। नहीं नहीं पुष्पा जी, ऐसा नहीं है। अब करिश्मा मैडम शॉर्ट टेम्पर्ड है लेकिन बेवकूफ नहीं है, ये तो हम जानते हैं। हाँ, तो वो ऐसे ही बिना वजह अपना भौकाल लोगों में नहीं दिखाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी करिश्मा मैडम बहुत ही समझदारी से और कामली केस सॉल्व करेंगी।
क्या बोलता जीते? हमको भी यही लगता है कि इस बार करिश्मा मैडम ने काफी बुद्धि से, समझदारी से और एकदम शांति से बिना गुस्सा के काम लेंगी। हो ही नहीं सकता, वो बिना किसी पे हाथ उठाए रह नहीं सकती। देख इस बार भी वो नाकाम ही रहेंगी। हाँ तो फिर लगी शर्त, अगर संतोष जी और चिता ये दोनों गलत होते हैं तो आपको एक एक महीने की सैलरी और देंगे। अरे सुनो सुनो सुनो, अगर पुष्पा जी गलत होती हैं तो अपनी दो महीने की सैलरी आप लोगों को देंगी। लगी शर्त? ठीक है फिर फाइनल। ये क्या फाइनल? फाइनल ये हुआ है कि अगर करिश्मा मैडम केस सॉल्व कर देती हैं तो आप दोनों जीते, और अगर नहीं कर पाती तो पुष्पा जी जीतती। ठीक है, शर्त मंजूर? भाई हमें तो मंजूर है, क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। संगल जी लगा दीजिए। अरे अरे एक बात तो हार ही चुके हैं, दो महीने की सैलरी मिल रही है। मंजूर है, हमको भी कबूल है। क्या मंजूर है? देखिए दरअसल वो जो मारपीट वाला वीडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, और लोगों में इस बात को लेकर ना बहुत ज्यादा नाराजगी है, परेशानी है। हमें ऐसा लगता है कि शायद आगे जाकर आपको कोई परेशान करने की, आपको छेड़ने की या आप पर हमला करने की कोशिश करे। तो ऐसे में हमने तय किया है कि हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये है हमारी SI करिश्मा सिंह, ये हर वक्त अब से आपके साथ रहेंगी। Whatever. मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप करिश्मा सिंह आप जाइए इनके साथ, इनके साथ रहिए हर वक्त। ध्यान रखिए कि कोई इन्हें छेड़े ना, इन पर कोई हमला ना करे। वैसे डॉक्टर और एम्बुलेंस का नंबर तो है ही ना? जी बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, और सब कुछ है। ओके हाँ, आप हम आपको निराश नहीं करेंगे मैडम सर। ऑल द बेस्ट। जय जय चले।